रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें आप देख लीजिए जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के नीतीश सरकार ने जातीय आंकड़े क्या जारी किए, बात दूर तक गई। एक तरफ मामले ने सियासी तूल पकड़ा, वहीं जातिगत आंकड़े सार्वजनिक करने का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया। याचिकाकर्ता ने जातिगत जनगणना के डेटा को सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई। शिकायत में कहा गया है कि इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के दौरान डेटा कैसे जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब 6 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। जातीय जनगणना के बीच बिहार में सीएम नीतीश का एक और मास्टर स्ट्रोक। न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10% का रिजर्वेशन का ऐलान। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को नौकरी में आरक्षण का फायदा मिलेगा। दोनों में एक परिवर्तन है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% है वो आरक्षण पर लागू होगा। ईडब्ल्यूएस साल 2019 में लागू हुआ था, तब केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज में रिजर्वेशन देने के लिए आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन लागू किया था। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। सूबे को 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया। बस्तर के जगदलपुर से बिहार की जातिगत जनगणना पर विपक्ष पर कड़ा पलटवार किया। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। मेरे लिए गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। छत्तीसगढ़ के ताडोकी को पीएम ने नई रेलवे लाइन की भी सौगात दी। इससे आदिवासी समुदाय को फायदा मिलने का दावा। शराब माफिया की दबंगई की नई तस्वीरें बिहार के राघोपुर दियारा से रिलीज हुई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। शराब की अवैध भट्टियां लगी हैं। खुले मैदान में बेरोक टोक अवैध शराब का काला कारोबार चल रहा है। ये हालत बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गढ़ की है। आबकारी टीम जैसे ही राघोपुर दियारा रेड मारने पहुंची, शराब माफिया ने टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठी डंडों और पत्थरों से आबकारी टीम पर हुआ जानलेवा हमला। वहाँ जो अवैध रूप से शराब बनाया जा रहा था उसे ध्वस्त करने में इसी क्रम में वहाँ के लोगों द्वारा पथराव वगैरह कर दिया गया। मालूम चला है कि 3-4 लोग घायल हुए हैं। सवाल ये है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद नशे का धंधा किसकी शह पर चलता है। भूकंप के तेज झटकों से कांपा दिल्ली एनसीआर। दोपहर 2:51 पर आए भूकंप के 2 झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप का दूसरा झटका इतना तेज था कि लोग दहशत में आ गए। डरे सहमे लोग दफ्तर और घरों से बाहर निकले। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक नेपाल में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल के कई इलाकों में जानमाल के नुकसान की खबरें और तस्वीरें भी सामने आई। जम्मू कश्मीर में और तेज हुआ आतंकियों के सफाए का ऑपरेशन। राजौरी के कालाकोट में सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने का शक। उन्होंने यहां पर एक आतंकी ठिकाना भी बनाया है जिसे ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बलों ने यहां इस इलाके को घेरा और जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों के उस ठिकाने के पास पहुंचे यहां छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 24 घंटे से चल रहा है ऑपरेशन। आतंकियों को मार गिराने के लिए चप्पे चप्पे की किलेबंदी। सुरक्षा बल ड्रोन के जरिए जंगल में चला रहे हैं सर्च अभियान। न्यूज क्रिक के पत्रकारों के घर दिल्ली पुलिस की बड़ी रेड। चीनी फंडिंग पर एजेंडा चलाने का आरोप। यूएपीए का केस दर्ज। 30 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस ने की रेड। दरअसल ईडी के एक केस के सिलसिले में मीडिया आउटलेट न्यूज क्लिक से जुड़ी जगहों पर ये रेड हुई। न्यूज क्लिक के कर्मचारियों के घर पर भी पुलिस पहुंची। ये क्यों मार रहे हैं छापा, क्या है कारण, क्या है चार्ज, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये हमला क्या मीडिया के ऊपर है। पुलिस ने पत्रकारों के लैपटॉप जब्त किए, साथ ही जाँच में शामिल होने के लिए समन भी जारी कर दिए। हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई करके बेनकाब। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने पकड़ी 2.5 किलो हेरोइन, ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजी गई थी। दरअसल देर रात बॉर्डर से सटे कलसिया में पाकिस्तान का ड्रोन दिखा जिसके साथ हेरोइन का पैकेट बंधा था, लेकिन डिलीवरी से पहले ही बीएसएफ ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूलों और टेक्निकल कोर्सेज की फर्जी डिग्रियां बनाते थे, बदले में मोटी रकम लेते थे। इन्होंने बताया था कि हम आपको ऐसे करके वो करा देंगे, इंटर करा देंगे ओपन स्कूल से। उसके वहाँ पे फेक बताई थी मार्कशीट, तो फिर मुझे पता चला वो मेरी भी फेक है। पुलिस जालसाजों की निशानदेही पर बिहार, उत्तराखंड, झारखंड,
यूपी, गुजरात, एमपी समेत देश भर के कई प्रदेशों के बोर्ड्स की 180 मार्कशीट बरामद कर चुकी है। इसके अलावा दूसरे कई गैजेट्स भी बरामद हुए हैं। कचहरी में खाकी ने वकीलों को फूल दिए और डेढ़ महीने से चल रही नाराजगी रफू चक्कर हो गई। अगर आप यूपी के हापुड़ के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हापुड़ कचहरी में वकील डेढ़ महीने बाद फिर से काम पर लौट आए। कचहरी में पुलिस को मुस्तैद किया गया है। आपको बता दें कि डेढ़ महीने पहले पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद वकील बेमियादी हड़ताल पर चले गए थे। सिर पर नीला पटका, हाथों में जूते, राहुल गांधी का एक और अलग अंदाज। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में राहुल गांधी काफी वक्त तक गुरुद्वारे के शू स्टैंड पर खड़े रहे, मत्था टेकने आई संगत से जूते लिए, सेवा की। राहुल गांधी के अमृतसर दौरे का दूसरा दिन था। पहले दिन गोल्डन टेम्पल में ही राहुल गांधी ने बर्तन धोकर सेवा की थी। गुरुद्वारे में ही साफ सफाई का मोर्चा भी संभाला था। चेक रिपब्लिक के प्राग में हाइड्रोजन बस की सवारी, सुखद सफर का एहसास, तकनीक का पूरा मुआयना। देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और हाईवे मैन नितिन गडकरी ने ये तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। स्कोडा ने इस बस को बनाया है, जिसका टेस्ट नितिन गडकरी ने खुद प्राग में लिया। गडकरी ने स्कोडा के अफसरों से हाइड्रोजन बस की टेक्नोलॉजी की बारीकियां भी जानी। गडकरी इथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे ईंधन से देश में गाड़ियां चलाने की वकालत करते आए हैं। गडकरी प्राग में 27वीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस में शिरकत करने पहुंचे। कोविड 19 महामारी को रोकने के लिए mRNA वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिकों कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस वैक्सीन के जरिए दोनों वैज्ञानिकों ने दुनिया की सोच बदल कर रख दी। कोरोना जब पूरी दुनिया में फैला, जब लोग मर रहे थे, परेशान थे, इस महामारी का तब इलाज नहीं था, तब वैज्ञानिकों के ऊपर दबाव था ऐसी दवा खोजने का जो महामारी को हरा सके। ये करिश्मा इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने कर दिखाया था। अंतरिक्ष परी कही जाने वाली कल्पना चावला के पिता बनारसी लाल का निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उन्होंने करनाल के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। पेशे से वो कारोबारी थे, लेकिन उनका पूरा जीवन समाज से जुड़े कामों में बीता। वो कल्पना चावला पर अलग अलग संस्थानों में बच्चों को लेक्चर देकर आगे बढ़ने का संदेश दिया करते थे। भले ही बनारसी लाल दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले वो शरीर के कई अंग डोनेट कर गए, वो भी उसी मेडिकल कॉलेज को जो बेटी कल्पना चावला के नाम पर बना है। पहाड़ से मैदान तक मौसम का बदला मिजाज। लेह लद्दाख और कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। जो जिला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, पहाड़ों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, पारा -1 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग का दावा है अगले 72 घंटों में लद्दाख और कश्मीर के कई इलाकों में हो सकती है और भीषण बर्फबारी। मैदानी इलाकों में भी तापमान गोता लगाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश होना पड़ा। ट्रंप और उनके परिवार पर सिविल धोखाधड़ी का केस चल रहा है। ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में झूठ बोलकर $100 मिलियन कमाए थे। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने ट्रंप एंड फैमिली के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है। जेम्स ने ट्रंप पर कम से कम $250 मिलियन के जुर्माने की मांग की है। साथ ही उनके और उनके बेटे डोनाल्ड जूनियर और एरिक के खिलाफ न्यूयॉर्क में बिजनेस पर पाबंदी लगाने की भी गुहार अदालत से लगाई गई है।